जी कैम 8.6 अभी हमारे पास अवेलेबल है, और जिसमें अगर हम फीचर्स की बात करेंगे तो बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम फीचर्स आपको नॉर्मल जी कैम्स में देखने को मिलते हैं, वही फीचर्स आपको यहाँ पर भी देखने को मिल जाएंगे। तो मुझे सबसे अच्छी चीज़ इस जी कैम की देखने को लगी है वो है इसकी लेंस स्विचिंग, इसकी परफॉर्मेंस, एंड वन ऑफ द बेस्ट थिंग इज़ इट्स वर्किंग विद एंड्रॉयड 13। मेरे ख्याल से अगर आपको एंड्रॉयड 13 में वर्किंग काफ़ी अच्छा जी कैम देखने को मिल जाएगा ये, तो आप इसे ज़रूर इंस्टॉल कर सकते हैं। फीचर्स की अगर बेसिक फीचर्स की बात करेंगे तो HDR, टॉप शॉट जो आपको नॉर्मल देखने मिलते हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। दिस इज़ जी कैम बाय BSG वर्जन 8.6। मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जस्ट एन APK फाइल, आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। एक चीज़ मैंने यहाँ पर नोटिस करी है कि इसका जो साइज़ है इट्स अराउंड मोर देन 200 MB, सो मेक श्योर आपके पास प्रॉपर इंटरनेट कनेक्शन अवेलेबल हो। अगर हम वीडियो रिकॉर्डिंग की जब हम बात करते हैं तो अगर आप नोटिस कर पाएंगे आपके पास फुल HD और 4K दोनों का सपोर्ट अवेलेबल है। अनफॉर्चुनेटली मुझे यहाँ पर एक ऑप्शन जो है वो देखने को नहीं मिला, दैट इज़ अबाउट FPS 60 FPS या 30 FPS। लेकिन जब आप वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं उसके साथ साथ आप इसमें जूम इन जूम आउट ये सब कर सकते हैं, और ये बहुत ही कमाल की चीज़ है कि बिल्कुल अच्छे तरीके से ये चीज़ काम कर रही है। मैं इसे ट्राई आउट कर चुका हूँ काफ़ी सारे कस्टम रूम्स में, अनफॉर्चुनेटली उतनी अच्छी परफॉर्मेंस, इतना अच्छा UI रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिला था, लेकिन मैंने ट्राइड दिस जी कैम वर्जन 8.6 और एंड्रॉयड 13 में, बहुत ही कमाल की चीज़ें ये चीज़ें काम कर रही हैं। इसको मैंने इंस्टॉल किया था प्रोजेक्ट एलेक्सर कस्टम रोम में, जो कि एंड्रॉयड 13 के बेस पे अवेलेबल है वर्जन 3.0। अगर आपको उसका रिव्यू देखना है तो आप मेरे इंग्लिश चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। उसके अलावा पोर्ट्रेट मोड एक्सेट्रा में भी आपको सेम फीचर्स देखने को मिल जाते हैं एज एक्सपेक्टेडली, नो इशूज़ हेयर एट ऑल, जिसमें आपके पास फेस रिटचिंग का ऑप्शन भी अवेलेबल है, और बाकी सब बेसिक चीज़ें तो आप कस्टमाइज़ कर ही सकते हैं। नाइट साइड की बात करेंगे तो एस्ट्रो फोटोग्राफी का सपोर्ट बिल्कुल एज एक्सपेक्टेडली आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, बट वन थिंग कीप इन माइंड कि इसमें आपको ऑटो का ऑप्शन देखने को मिलता है, यानी कि किसी किसी जी कैम में आपके पास ऑप्शन होता है एस्ट्रो फोटोग्राफी को फोर्स इनेबल करने का, वो ऑप्शन आपके पास यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, यहाँ आप उसे डिसेबल कर दीजिए या फिर ऑटो मोड का ऑप्शन तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा जब हम बात करते हैं कुछ बेसिक फंक्शनैलिटीज़ की जो आपको सेटिंग्स में देखने मिलती हैं, तो इंटरफेस में आपके पास पिक्सल 7 प्रो तक का ऑप्शन देखने को मिलता है, उसके साथ साथ जनरल में आपके पास ऑलमोस्ट सेम चीज़ें देखने को मिलती हैं, जिसमें डिवाइस स्टोरेज और जेस्चर्स के साथ अगर हम एडवांस ऑप्शंस पे चलेंगे तो HDR प्लस कंट्रोल और उसके साथ एक्टिवेट HDR नेट, ये दोनों ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे। स्टोर वीडियोज एफिशिएंटली और एस्ट्रो फोटोग्राफी के रिलेटेड बेसिक से ऑप्शंस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। इन सब चीज़ों के अलावा तो बिल्कुल सेम ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं, लाइक एक्सपोजर का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, जिससे आप अपने डिवाइस में जब आप वीडियो रिकॉर्डिंग या फोटोज़ को शूट करते हैं तो आपको हेल्प मिल सकती है। उसके अलावा ऑलमोस्ट सेम चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। तो ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं इस जी कैम में। जैसे हमने आपको बताया इस जी कैम का जो साइज़ है इट्स मोर देन 200 MB, तो अगर आपके पास 200 MB से ज़्यादा है तभी आप इसे इंस्टॉल कीजिए, वरना आई विल रिकमेंड यू कि आप कोई और जी कैम ट्राई आउट कर सकते हैं, जी कैम गो वर्जन भी ट्राई आउट कर सकते हैं। ये थोड़े से आपके अगर आपका डिवाइस जो है 6 GB रैम का है, 8 GB रैम का है, तभी ये चीज़ काम करेगी। तो आई एम नॉट श्योर अगर आपके डिवाइस में चीज़ काम ना करे तो स्विचिंग वगैरह काफ़ी अच्छी है तो आप इसे ट्राई आउट कर सकते हैं। दिस इज ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड यस, आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, गुड बाय।